स्वागत है सुमन किचन में आपका। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्के के वाफला बाटी। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ वाफला बाटी हम कैसे बनाएंगे। और बहुत ही टेस्टी ये वाफला बाटी बनता है और ये राजस्थान में बहुत इसे पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको कि हमें क्या चाहिए वाफला बाटी के लिए। तो हमने एक बॉल ले लिया है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इस बॉल के अंदर सबसे पहले हम मक्की एक छन्नी रख लेंगे और इसमें हम मक्की के आटे को छान लेंगे। ये 3 कटोरी मक्की के आटा हमने लिया है और 1 ग्राम से 500 ग्राम मक्की का आटा है। तो इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे छान लेंगे। और छानना ज़रूरी है ताकि इसमें जो भी कुछ मक्की का लम्स या कुछ भी हो तो निकल जाए। तो इसलिए हम पहले थोड़ा थोड़ा मक्की डाल के इस तरीके से छान। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने छान लिया है मक्की का आटा। और अब इसके अंदर हम मैं दूंगी 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसे भी इसके अंदर डाल के छान लेंगे। और 1 ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम आटा है मक्की के आटे में। तो इसे भी हम छान लेंगे। आटा लिया है, इसे भी हम इसके अंदर छान लेंगे। अब देख सकते हैं हमने छान लिया है। तो चलिए इसमें हम और सामान ऐड करते हैं। तो इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है, टेस्ट के अनुसार डालना है। हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, ये अजवाइन मैं ऐड कर रही हूँ, और हरी मिर्च एक बारीक कट करके हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ, और ऑयल या घी आप इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर दीजिए। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं घी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कट करके हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अच्छा से मिक्स होने तक हम इसे अच्छा से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब मैं बॉयल पानी लूँगी और बॉयल पानी से पहले मैं चम्मच की मदद से आटे को गूँथूँगी। पानी गर्म है तो हाथ जलने का डर रहेगा, इसलिए थोड़ा मैं चम्मच की मदद से इसे गूँथूँगी। बाद में मैं हाथ के मदद से इसे गूँथ लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गूँथना है। और आप देख सकते हैं हमने गूँथ लिया है हाथ के मदद से आटे को। और अब इसकी लोई बनाएंगे और आटे को बिल्कुल सख्त गूँथना है। और लोई को हम इस तरीके से बना लेंगे, एक बाटी का सेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये हाथों से किस तरीके से इसे गोल कर लिया है बिल्कुल। अब इसे रख दूँगी। इसी तरीके से हमें सारे बाटी तैयार कर लेना है। और आप देख सकते हैं हमने सारे बाटी को कितने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, गैस पे हम पहले से ही पानी रख दिए थे एक पतीले के अंदर बॉयल होने के लिए, और हम इस पानी को बिल्कुल उबलने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरीके का उबलता हुआ पानी में हम बाटी को डाल देंगे इसे बॉयल होने के लिए। और जब सारे बाटी को इसी तरीके से हम इसमें डाल लेंगे, पानी बिल्कुल उबलना चाहिए, बिल्कुल उबलते हुए पानी में डालेंगे, नहीं तो ये बिखर जाएगा बाटी, टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारी बाटी को पानी में डाल लिया है। और इसे पानी में डालने के बाद हम वेट करेंगे। इसे जब ये थोड़ा सा एक साइड से हो जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मैंने चम्मच लिया है, कलछी जो होता है उसको हमने लिया है। चम्मच के मदद से हमें नहीं चलाना है, नहीं तो बाटी टूट जाएगा चम्मच से हम चलाएंगे तो। तो इस तरीके से कलछी ले लें या रोटी बनाने का जो बेलन होता है उसे ले लें, और इस तरीके से इसे घुमा देना है इसमें, ताकि आप देख सकते हैं मैं कैसे घुमा रही हूँ इस तरीके से। जब थोड़ा सा बाटी इसमें बॉईल हो जाए उसके बाद हमें घुमा लेना है। और अब मैं 15 मिनट तक इसे बॉईल कर लिया है मैंने। अब एक चाकू या एक किसी भी चीज़ से हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमने चेक कर लिया है, तो इसे थोड़ा सा छेद करके हम चेक कर लेंगे। तो यदि ये चाकू में नहीं चिपक रहा है तो ये हो चुका है, और हम इसे निकाल लिए हैं अब पानी से बाहर। तो आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है हमारा बाटी। अब मैं एक बाटी का कुकर रख रही हूँ और इसके ऊपर इसे गर्म करके मैं अपने बाटी को सेकूँगी, बॉयल किया हुआ बाटी को। अब कुकर में हम सेक लेंगे और इसे दोनों तरफ से हमें प्लेट प्लेट के सेकना है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। और इसे ढक के हम सेकेंगे, तो इस तरीके से हम ढक देंगे और इसे बीच बीच में हम पलटते रहेंगे। तो मैं देख ली 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे मैं पलट दूँगी दूसरे साइड में।
और इस तरीके से हमें दोनों साइड से अच्छा से आप देख सकते हैं कलर आने लग गया है, चेंज होने लग गया है। तो दोनों साइड से इस तरीके से हमें सेक लेना है और पलट पलट के हम दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे। फिर इसे मैं ढक देती हूँ और इसे वेट करेंगे, फिर चेक कर लेते हैं बाटी को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है और सिक चुका है हमारा बाटी। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है और कितना बढ़िया कलर आया है आप देख सकते हैं। तो ये हमने घी ले लिया है और इसमें हम बाटी को डाल देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे पलट के दोनों तरफ घी में डिप कर लेंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और आप कम घी खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम कीजिए और यदि ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बाटी को इसमें तोड़ दीजिए और फिर इसे पलटकर और दोनों तरफ से डुबो दीजिए घी के अंदर और उसके बाद फिर बाहर निकाल लीजिए बाटी को। और ये बाटी इसी तरीके से आप सारे बाटी को घी में डुबो के निकाल सकते हैं, हाथ से प्रेस करके इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं। और उसके बाद से आप घी में डिप कर दीजिए बाटी को और उसके बाद से निकाल के गर्मा गर्म सर्व कीजिए और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनता है। तो ये एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाएं हम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसे सर्व कर लिया है और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू।